काफ़ी वक्त लगेगा, वरना दवाएं जहन नशीन नहीं होती, ना नाम याद आते हैं ना दवाएं जहन नशीन होती हैं, कुछ देर के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए रिपीट काफ़ी करना पड़ेगा। और जितना मुमकिन हो रिलैक्स होकर देखें, जोर ना डालें दिमाग पे, क्योंकि आज खुद फिर नक्श होना शुरू हो जाता है। कमरे में, अंधेरे कमरे में नहीं कभी गए आप अचानक बाहर से, क्या होता है? हाँ हाँ, कुछ वक्त लगता है ना, फिर जब आंखें एडजस्ट होती हैं तो सारे रोशनी रोशनी हो जाती है। तो हर एक चीज़ का अपना एक वक्त है, और इल्म का भी वक्त है। वो रोशनी कमरे की अंधेरे की तरह तो फौरन तो नहीं हल होता, लेकिन अंदाज़ा, और हर एक की आंखों की तरह दिमाग का भी एक वक्त होता है। लेकिन करते चले जाएं, कुछ देर के बाद एकदम आंखें खुल जाती हैं और रोशनी आ जाती है। तो वो जब आ जाए फिर इत्मीनान है। ये बड़ा सबके लिए एनकरेजिंग है जी, ये चीज़। हाँ हाँ, ये चीज़ इंशाल्लाह। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ख़तों में भी कुछ परेशानी आनी शुरू हो गई है। कहते हैं कि एक खातून के भी आया हुआ था खत, कि शुरू में तो बड़े मज़े थे, जल्दी जल्दी मज़ा आ रहा था, याद आ रहा था, अब समझ आ रही है, जो पढ़ा सब भूल चुका है, और एक मुसीबत पड़ी हुई है दिमाग में कि कौन सी चीज़ थी, वो कहाँ पहुँचना है। तो जाते वक्त तो आदमी चला जाता है, वापसी का रास्ता मुश्किल होता है। शिकार में हमने देखा है सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है। तभी अल्लाह ताला ने जानवरों को बाज़ ख़ास किस्म की बूएँ अता की हैं, वो वापस अपने घर जाना हो तो रास्ते में बू लगाते चले जाते हैं। और लोग समझते थे कि ये कैसे मनहूस जानवर, बदबूदार, लेकिन बदबू की वजह से ही उसकी बका है। वो छलांगें लगाता है दरख्त से दरख्त, और हर शाख पर अपनी बू लगा देता है, और फिर वो 30-40 मील रात को दूर निकल जाता है अपने भट से, और उस बू के रास्ते वापस आ जाता है। तो इसलिए जाना तो आसान, जैसे मर्जी मुँह करके निकल जाएं, वापसी मुश्किल होती है। ये जो आप सीखते हैं इल्म, इसमें भी एक सफ़र है, जिसकी वापसी जब करें तो फिर पता चलता है कि अब कदम नहीं पड़ रहे उस तरफ। कहाँ किसी मंजिल में जाना हो तो वापसी का रास्ता भुला हुआ होता है। जब वापसी आसान हो जाएगी, वो वक्त है जब आप समझें कि अब आपको अबूर हो गया किसी हद तक। और इसको आम मुहावरे में कहते हैं ना, आई रिमेंबर इट बैकवर्ड्स। वो बात ठीक है, जिसको बैकवर्ड्स याद हो जाए उसको वाकईतन सही याद होता है, वरना मरीजों से दवाई की तरफ रुख जो है वापसी का, ये बड़ा मुश्किल काम है।